नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है कि कुछ वर्ष पहले यानी 6 साल पुराने अपने ही फैसले को गलत बताकर सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में लाए गए फैसले को बदल दिया है। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हैडॉक कर्मचारियों को स्थायी करने पर हैडॉक के रूप में दी गई सेवा को वरिष्ठता में नहीं गिना जाएगा। यह वरिष्ठता स्थायी करने के दिन से ही मिलेगी। उनके साथ ही शीर्ष अदालत ने सरकारी अधिकारियों को वरिष्ठता देने के मुद्दे पर 6 वर्ष पूर्व दिए गए अपने ही निर्णय को निरस्त करके उसे त्रुटिपूर्ण करार दे दिया है। इसके आधार पर ही 2018 में दिए गए इलाहाबाद व उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 2 फैसलों को भी रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत इस फैसले से दोनों राज्यों के ग्रामीण अभियंता सेवाओं में 1985 में हैडॉक आधार नियुक्त हुए सैकड़ों सहायक इंजीनियर प्रभावित हुए हैं। उन्होंने 1989 में स्थायी किया गया था। स्थायी मूर्ति डी वाई चंद्रचूड और एम आर शाह की पीठ ने यह फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 22 मार्च 2016 की वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया गया है और 2001 की सूची को बहाल कर दिया गया है जो बिना हैडॉक सेवा की गणना किए बनाया गया था। अदालत ने कहा है कि इस मामले में अदालतों ने यूपी में हैडॉक नियुक्ति का नियमन नियम 1989 के नियम 7 पर विचार नहीं किया गया है। नियम 7 कहता है कि नियमों के अनुसार दी गई नियुक्ति या चयन के दिन से ही वरिष्ठता की गणना होती है। तो पीठ ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने नरेंद्र कुमार त्रिपाठी निर्णय में इस नियम पर विचार नहीं किया है और हैडॉक सेवा की गणना का आदेश दे दिया है। उसके आधार पर दोनों उच्च न्यायालयों ने 2018 में अपने फैसले दिए थे। अदालत ने यह स्पष्ट कह दिया कि इससे पूर्व संविधान पीठ के फैसले जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि उन लोगों को वरिष्ठता दी जा सकती है जिनके प्रमोशन पोस्ट पर हैडॉक नियुक्ति उचित प्राधिकरण के साथ पूरे परामर्श और मंजूरी साथ दी गई है, इस मामले में यह फैसला लागू नहीं होगा। इस मामले के चयन 1979 के नियमों के तहत एक चयन समिति बनाकर किया गया और बाद में राज्यपाल के आदेश से 1985 हैडॉक नियुक्त कर दिया गया था। इस दौरान न तो सेवाएं आयोग से परामर्श लिया गया और न ही उन्हें मंजूरी ली गई। ऐसे में उन्होंने नियम के अनुसार हैडॉक नियुक्ति नहीं माना जा सकता। इस कारण अधिकारियों को वरिष्ठता में हैडॉक सेवा का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।